ऑडियो 3 अनुभूत योगावली फलित ज्योतिष लेखक महामहोपाध्याय पंडित कल्याण दत्त शर्मा ज्योतिषाचार्य राष्ट्रपति सम्मानित एवं डॉक्टर प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जन्म लगन चतुर्थ भाव पंचम भाव चंद्र और बुध सभी पाप युक्त दृष्ट होने पर उन्माद रोग की उत्पत्ति होती है। मिथुन जन्म लग्न को हो षष्ठ भाव में चंद्र बुध शुक्र पर शनि की दृष्टि से उन्माद पागलपन का योग बनता है। सिंह जन्म लग्न में मंगल धन भाव में गुरु अष्टम में सूर्य बुध लाभ में शनि चंद्र स्थित होने पर पागलपन योग बनता है। वृश्चिक लग्न में चंद्र पंचम में षष्ठ में शनि सूर्य बुध अष्टम में गुरु नवम में मंगल सप्तम में शुक्र होने पर उन्माद योग के लक्षण घटित होते हैं। मेष लग्न में मंगल द्वादश में के सूर्य बुध शुक्र शनि चतुर्थ में गुरु सप्तम में चंद्र षष्ठम में राहु है इस कुंडली में भी उन्माद योग बन रहा है। मिथुन लग्न में तृतीय में शुक्र में चतुर्थ सूर्य मंगल पंचम में बुध षष्ठ में शनि केतु नवम में चंद्र दशम में गुरु स्थित है इसलिए उन्माद योग बनता है। बुध त्वचा का और चंद्र रक्त का स्वामी होता है। लग्नेश बुध चंद्र युक्त राहु शनि से युक्त दृष्ट हो तब कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। सर्वार्थ चिंतामणि में इसका वर्णन है। राहु की युति दृष्टि द्वादश स्थान और द्वादशेष पर पड़ती हो और द्वादशेष निर्बल हो तो जेल जाने का योग बनता है। इस योग में लग्न तथा लग्नेश भी राहु के प्रभाव में होने चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और श्री जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में घटित होता है। यह वीर सावरकर की कुंडली में भी घटता है। चंद्र चतुर्थेश होकर 6, 8, 12 भाव में राहु से युक्त दृष्ट हो शुभ ग्रह की दृष्टि हो तब अपरंपार मार मृगी रोग की उत्पत्ति होती है। शनि मंगल की दृष्टि भी उपरोक्त स्थिति मृगी रोग की उत्पत्ति दर्शाती है। 6, 8, 12 स्थान के स्वामी अशुभ फल कारक होते हैं। यह नियम सर्व विदित है परंतु इन तीनों भावों के अधिपतियों का परस्पर संबंध हो जाए तो अशुभ फल नहीं होता उल्टा शुभ फल प्रद हो जाता है। यदि षष्ठमेश षष्ठ भाव या द्वादश भाव में चला जाए और षष्ठ भावेश या द्वादशेश अष्टम में चला जाए अथवा इन तीनों का परस्पर दृष्टि संबंध हो जाए या तीनों एक दूसरे भाव में चला जाए अथवा तीनों का परस्पर दृष्टि संबंध हो जाए या तीनों एक दूसरे भाव में चले जाए तो शुभ फलप्रद होकर राजयोग कारक बन जाते हैं। इस योग का नाम विपरीत राजयोग है। सिंह लग्न में राहु सप्तम में केतु सूर्य चंद्र मंगल बुध अष्टम में उच्चस्थ शुभ लाभ में शनि तब तृतीय में गुरु स्थित हो तो कोट्याधिपति योग बन जाता है। महर्षि पराशर ने 3, 6, 8, 11 स्थान के स्वामी को अशुभ फल कारक बताया है और 6, 8, 12 स्थान को जातक ग्रंथों में अशुभ फल पद बतलाया है। सिंह लग्न में शनि गुरु चंद्र क्रमशः 6, 8, 12 भाव के स्वामी है। यहाँ गुरु अष्टमेश होकर तृतीय भाव में है। द्वादश भाव का स्वामी चंद्र 11वें भाव के स्वामी के साथ होकर सूर्य के साथ होने से निर्बल हो गया। षष्ठेश शनि 11वें भाव में अष्टमेश गुरु से दृष्ट है तथा सप्तम भावस्थ सभी ग्रहों पर अष्टमेश की दृष्टि है। अतः 6, 8, 12 भावों के परस्पर संबंध होने से कोट्याधिप योग बन रहा है। यह ग्रह स्थिति कोट्याधिप व्यक्ति की कुंडली में है। कन्या लग्न में जन्म हो सप्तम स्थान में शनि हो और षष्ठ स्थान में गुरु हो तो उस पुरुष की स्त्री दीर्घ रोगी होगी। यदि यह योग स्त्री की कुंडली में हो तो उसका पति दीर्घ रोगी होगा। यहाँ सप्तमेश रोग भाव में तथा षष्ठेश शनि सप्तम भाव में स्थित होकर लग्न को देख रहा है। गुरु अपने भाव से भी द्वादश भाव में चला गया है। मिथुन लग्न में मंगल षष्ठेश और लाभेश होता है। मंगल हिंसात्मक वृत्ति एवं षष्ठ से षष्ठ भाव भी हिंसात्मक बन जाता है। अतः मिथुन लग्न वाले व्यक्ति हिंसात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। यदि मंगल लग्नस्थ हो जाए
तो प्रबल हिंसात्मक प्रीति बन जाते हैं। मिथुन लग्न में मंगल स्थिति हो और चंद्र चतुर्थ भाव में सप्तमेश के साथ हो तो हिंसात्मक वृत्ति उग्र रूप धारण कर लेती है। डाकुओं के यह योग पाया जाता है। ऐसी कुंडली डाकू शिकारी बहेलियों की होती है। गोडसे की कुंडली जो महात्मा गांधी का घातक था उसमें यह योग पड़ा हुआ है। मान सिंह की कुंडली में वृश्चिक लग्न में गुरु, चतुर्थ में शनि, षष्ठ में राहु, अष्टम में मंगल, द्वादश में सूर्य, केतु नवम में, चंद्र एकादश में, बुध शुक्र स्थित हैं। मंगल षष्ठ भाव का और लग्न का स्वामी होकर अष्टम भाव में पड़ा है। राहु मंगल की राशि में षष्ठ में मंगलवत फल कर रहा है। लाभस्थ बुध को मंगल देख रहा बुध चतुर्थ भाव से अष्टम में है और अष्टमेश भी है। चतुर्थ भाव से जनता का विचार होता है और एकादश भाव जनता का अष्टम स्थान है जो आय का स्थान जानता हुआ इस कारण जनता की हानि करने का योग बना रहा। यहाँ जनता भाव के अष्टम बुध उच्चस्थ भी हो गया है। पुनः बुध वृद्धि प्रदायक ग्रह स्वयं अष्टमेश होकर मंगल द्वारा जो इसके शत्रु भाव रखता है उससे भी दृष्ट है। वृष लग्न में जन्म हो, मंगल पंचम भाव में हो तो मनुष्य को भोग वृद्धि बनाता है। द्वादश भोग स्थान और सप्तम मदन अर्थात भोग का पंचम भाव प्रेम क्रीड़ा का होता है। वृष लग्न में मंगल भोग स्थान का स्वामी सप्तमेश द्वादशेश व्यशेष होकर बुद्धि स्थान में पड़कर भोगात्मक वृद्धि बना रहा है। विंशोत्तरी दशा में शुभ फल कारक की दशा हो और शुक्र शुभ फल कारक ग्रह से द्वादश हो तो उसकी दशा में शुक्र का अंतर अत्यधिक शुभ फल प्रद होता है। बुध मंगल शुक्र चंद्र गुरु सूर्य तथा शनि उत्तरोत्तर अधिक समय के द्योतक होते हैं और इसमें बुध सबसे कम और शनि सबसे अधिक समय का प्रतीक है। बुध 16, मंगल 18, शुक्र 20, चंद्र 22, गुरु 24, सूर्य 26, शनि 28 वर्ष में विवाह का योग बनाते हैं, परंतु यह नियम गौण साधारण है। धनु लग्न में बुध सप्तमाधिपति होने से विवाह कुमारावस्था में बहुधा 16 वर्ष की आयु में ही विवाह हो जाता है, परंतु सप्तम भाव सप्तमेश और सप्तम भाव का कारक ये पाप युक्त दृष्ट नहीं होने चाहिए। शुभ ग्रह मात्र की बुध पर दृष्ट होने पर कुमारावस्था में ही विवाह होता है। इस प्रकार सप्तम भाव सप्तमेश सप्तम के कारक तथा सप्तम भाव को देखने वाले एवं सप्तमस्थ ग्रह से विचार किया जाता है। विंशोत्तरी दशा और गोचर में गुरु के आधार पर विवाह काल का निर्णय अधिक उपयुक्त है। विंशोत्तरी दशा पद्धति अनुसार 3, 6, 8, 11 भावों की स्वामी की दशा में तथा इन भावेश या भावस्थ से जो ग्रह संबंध बना रहे हैं उनकी दशा में उनके ही अंतर दशा काल में अनिष्ट फल की प्राप्ति उनके भाव में स्थित या दृष्ट भाव संबंधी विषयों में ही अनिष्ट फल करते हैं। जब बुध लग्न में सूर्य और शनि के साथ स्थित हो तब बुध की अंतर दशा में बुध स्वयं का फल नहीं देगा, इनके सहयोगी सूर्य शनि का फल देता है। सूर्य शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि होने से स्त्री से लगाव या रोगादि उत्पन्न करते हैं। स्त्री की कुंडली में पति पक्ष में नेष्ट फल प्रदान करती है। जब कोई नैसर्गिक पाप ग्रह 2 नैसर्गिक शुभ ग्रहों से युक्त हो तो उस पाप ग्रह की दशा में उसकी अंतरदशा शुभ फल प्रद होगी। विंशोत्तरी दशा अनुसार 3, 6, 8, 11 भाव संबंधी ग्रहों की दशा में उसके अंतरदशा काल में यदि वह ग्रह त्रिकोणेश या शुभ फल कारक ग्रहों से युक्त हो तो शुभ फल प्रदान करता है। 2 आयु एवं रोग विचार। दीर्घ आयु योग लग्न लग्नेश अष्टम अष्टमेश तृतीयेश और शनि इनमें निर्बलता आने पर अल्पायु योग बन जाता है। इनमें से जितने लग्न लग्नेश आदि बलवान हो उसके अनुपात से अल्पायु मध्यायु दीर्घ आयु का विचार करें। 32 तक अल्पायु आदि के अन्य योगों का भी विचार कर तथा उस समय 7.5
या ढेया शनि का भी विचार अवश्य करना चाहिए। एक, अष्टमेश स्वक्षेत्री हो या शनि अष्टम में हो। दो, अष्टमेश लग्नेश दशमेश केंद्र त्रिकोण में हो। तीन, षष्टेश व्ययेश दोनों लग्न में दशमेश या लग्नेश केंद्र में हो। चार, बलवान लग्नेश केंद्र में हो। पाँच, तीन चार आठ भाव में सभी ग्रह हो। छः, लग्न में पंचम में चंद्र मंगल दशम में गुरु त्रिकोण में हो। सात, पाप ग्रह तीन छः ग्यारह भाव में शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में हो। आठ, लग्न में बुध गुरु व शुक्र में से कोई ग्रह हो। नौ, लग्नेश अष्टमेश लग्न में। दस, षष्टेश अष्टमेश लग्न में। ग्यारह, केंद्र में शुक्र हो। बारह, चतुर्थ में शुक्र हो। तेरह, षष्ठ में राहु हो। चौदह, अष्टम में गुरु हो या शुक्र हो या केतु। पंद्रह, नवम में सूर्य हो अथवा लाभ में सूर्य हो या बुध हो या लाभ में शनि हो। सोलह, दो एक पांच भाव में लग्नेश हो। सत्रह, अष्टम में लग्नेश हो। अठारह, लग्न में शुभ ग्रह हो। उन्नीस, अष्टमेश अष्टमे या एकादश भाव में। बीस, नवमेश लाभ में हो या दशमेश लाभ में हो। इक्कीस, लाभेश चार आठ दस ग्यारह भाव में हो। बाईस, व्ययेश लाभ में हो। तेईस, द्वितीय भाव में सूर्य बुध हो। चौबीस, लग्न में सूर्य शुक्र अथवा बुध मंगल हो। पच्चीस, लग्न में गुरु हो। जैमिनी मत से आयु निर्णय। जन्म लग्नेश और अष्टमेश से लग्न में तथा सप्तम में चंद्र स्थित होने से लग्न और चंद्र से अन्यथा शनि चंद्र से तथा लग्न और होरा लग्न से इस प्रकार तीन प्रकार से चक्र में विचार करें। तीनों प्रकार से जो दीर्घायु मध्यायु या अल्पायु प्राप्त हो उसकी प्रधानता होती है। यदि शनि उच्च या स्वक्षेत्री पाप दृष्ट ना हो तो आयु का ह्रास नहीं होता। ग्रह स्थिति अनुसार दीर्घायु योग। एक, अष्टमेश स्वगृही हो उससे ग्रह केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह हो। दो, अष्टमेश जिस भाव में हो उस स्थान का स्वामी और लग्नेश केंद्र में हो। तीन, अष्टमेश अष्टम व द्वादश में हो उसका स्वामी लग्नानुसार अष्टम हो। चार, केंद्रस्थ लग्नेश गुरु या शुक्र में दृष्ट हो। पाँच, लग्नेश अष्टमेश और दशमेश लग्न में से केंद्र त्रिकोण में हो और लग्न से छवें आठवें अथवा ग्यारहवें शनि हो। छः, बलवान लग्नेश अष्टमेश दशमेश केंद्र त्रिकोण में हो और इन तीनों का शनि से कोई संबंध नहीं हो। सात, चंद्र उच्च मित्र गृही या मूल त्रिकोण में गुरु या शुक्र से दृष्ट हो। आठ, बुध गुरु और शुक्र केंद्र त्रिकोण में हो और पाप दृष्ट ना हो। नौ, यदि तीन ग्रह उच्चस्थ हो उनमें किसी के साथ लग्नेश अष्टमेश पाप दुष्ट युक्त ना हो। दस, शनि अथवा अष्टमेश उच्च ग्रह युक्त दृष्ट हो। ग्यारह, शनि पाँच छ आठ ग्यारह स्थान में हो और गुरु या शुक्र केंद्र में हो। बारह, शनि मंगल शुक्र राहु तीन छ ग्यारह भाव में शुभ ग्रह से दृष्ट हो। तेरह, लग्नेश केंद्र में पाप ग्रह छ बारह में और अष्टम स्थान में पाप ग्रह अथवा दशमेश उच्च का हो। चौदह, द्विस्वभाव लग्न में लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में अथवा मूल त्रिकोण में हो। पंद्रह, गुरु स्वगृही लग्न में शुक्र केंद्र में और मिथुन राशि में कोई ग्रह ना हो। सोलह, वृष लग्न में शुक्र गुरु केंद्र में अन्य तीन छः और ग्यारह भाव में हो। सत्रह, कर्क लग्न हो तुला में शनि हो मकर में गुरु वृष में चंद्र हो। अठारह, गुरु केंद्र में मंगल सातवें शुक्र सिंह में। उन्नीस, सूर्य मंगल शनि तीनों साथ होकर तीन छः ग्यारह स्थान में हो और पाप युक्त दृष्ट ना हो। बीस, मेष लग्न में मकर में शनि
तुला में मंगल, कुंभ में चंद्र हो। 21. यदि लग्न से चतुर्थ भावगत किसी भाव में चार ग्रह हों तो दीर्घायु, पंचम से अष्टम तक भाव में एकत्र चार ग्रह से मध्यमायु, शेष में एकत्र चार ग्रहों में से अल्प आयु। 22. कर्क लग्न में चंद्र ही शेष ग्रह शुभ ग्रह की राशि में हो। रोग विचार। यदि सूर्य नीच राशिगत अष्टम भाव में पाप युक्त दृष्ट हो, शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट ना हो तो हड्डी गलने या बढ़ने की बीमारी होती है। 6, 8, 12 भाव में क्षीण चंद्र अशुभ ग्रह युक्त दृष्ट हो, किसी शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट ना हो तो रक्त जन्य व्याधि उत्पन्न करता है। इसी प्रकार मंगल 6, 8, 12 भाव में स्थित मंगल दृष्ट हो तो बुध से दमा, श्वास रोग, गुरु से दृष्ट हो तो मैदा, जिगर रोग, शुक्र से दृष्ट हो तो वीर्य संबंधी रोग, शनि से दृष्ट हो तो सन्निपात आदि रोग उत्पन्न होते हैं। 6, 8, 12 स्थान में जो ग्रह हो उस पर शुभाशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं हो तो वह ग्रह अपने से संबंधित रोग प्रदान करता है। रोगी योग। 1. लग्नेश 6, 8, 12 भाव के स्वामी के साथ हो। 2. लग्नेश जिस भाव में हो उसका स्वामी 6, 8, 12 में भाव में हो। 3. लग्नेश अस्त नीच व शत्रुगृही अथवा पापाक्रांत हो।